मेरठ के एक लड़के ने अपनी ही अपहरण की कहानी लिख डाली। मामला जब पुलिस के संज्ञान में आया और पुलिस ने इसकी पूरी तफ्तीश की तो तब मालूम हुआ कि लड़के ने ही अपनी खुद की अपहरण की कहानी लिखी और 1 लाख रुपए थाना चक्कर का नगर सामान। क्षेत्र में एक रामपुरा घार करके गांव है, उसी गांव का 15 वर्षीय एक बच्चा जो कक्षा 10 में पढ़ता था, उसके गायब होने की सूचना मिली थी। इस पर तत्काल कार्रवाई हुई, बच्चा बरामद हो गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। अब ये तक जो निकल करके आया है कि उसने अपने मोबाइल से ही अपने चाचा को फ़ोन करके 1 लाख रुपये फिरौती की बात कही थी, ये तथ्य प्रमाणित नहीं हुआ। इसके बाद जिस पोजीशन में बच्चा मिला है वो भी संदिग्ध लग रहा है, इसकी विस्तृत जांच कराई जा रही है कि इसमें वास्तविक फैक्ट क्या है। लेकिन ये जो अपहरण वाली बात है वो गलत थी, इसमें पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रही है और सही तथ्यों को जल्दी खुलासा कर रही है। क्या ऐसा व्यक्ति जो खुद गया हुआ है अभी तक जो जाँच में आया वो यही तथ्य आया है, उसने 1-2 जगह उस पर बॉडी पे जो है ब्लेड का निशान पाया गया है, कट का है, और सामान्यतः एक कट का निशान जो है बाएं साइड में है और वो बच्चा जो है वो दाहिने हाथ से लिखने पढ़ने वाला है, उससे भी लग रहा है कि उसके द्वारा बनाया गया है। जो अभी तक पूछताछ में तथ्य आया है कि वो पैसा लेकर के कहीं टहलने जाना चाह रहा था और मोबाइल का जब इसका खोल करके देखा गया था तो उसमें आया था कि उसने कई ट्रेनों को सर्च किया था कि बॉम्बे जाने वाली ट्रेन, दिल्ली जाने वाली या जम्मू कश्मीर जाने वाली ट्रेन कितने बजे है। तो रात में ही हम लोगों ने यहाँ स्टेशन पर भी SPCT के नेतृत्व में टीम लगाई थी, तो इससे लग रहा है कि एक केवल बाहर जाने के लिए इसने एक खड़ियन के तहत ही रचा था, उसको पैसा मिल जाए और ये बाहर घूमने के लिए निकल जाए। अक्सर देखने में आ रहा है कि बच्चे इस तरीके की हरकत कर रहे हैं घूमने।